हम सभी लीडर का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम जो लेकर आ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आइए और बहुत सारी अच्छी चीजें आपको पता चलेगी। पहले तो हम बताना चाहेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कंपनी लीगल है कि नहीं। सबसे पहले मैं उस चीज पर फोकस करूंगा और आज का टॉपिक भी हमारा है लीगल डॉक्यूमेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। पहला टॉपिक लीगल डॉक्यूमेंट पे है, जा लाइफ के लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर चार देशों के लोकल ऑफिस का एड्रेस आप सभी वेबसाइट पर देख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया एंड नाइजीरिया। इंडिया का लोकल ऑफिस का एड्रेस आपका है 48 3 साई बाबा कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेज, 80 फिट रोड, बैंसवारा नगर, बैंगलोर। दोस्तों, इस लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर देख सकते हैं 141790। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया हुआ 3 दिसंबर सन 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और साथ ही साथ आप यहां साइड में देख सकते हो कंपनी का अकाउंट नंबर जो कि HDFC बैंक में है, जा लाइफ स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर IFSC कोड, ये सब दिया हुआ है। कंपनी इंडिया में इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पास कंपनी का GST नंबर भी आ चुका है, जो GST नंबर है 29AFC0288HIZC। कंपनी की वेबसाइट पर आप जा सकते हो जहां से वेबसाइट से देखा जा सकता है GST। साथ ही साथ कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर 6 दिसंबर 2020 को ये अलॉट हुआ है। ये कंपनी का पैन नंबर है, आप देख सकते हो AAFCZ0288H, और कंपनी का साथ में ही टैन नंबर भी है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर दिखाए, तो आज मैं उस वेबसाइट इस लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग लीगल डॉक्यूमेंट पे अटके हैं इसलिए काम नहीं कर रहे। आज आपको इस लीगल डॉक्यूमेंट से सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी और आप जम के काम कर सकेंगे। सेकंड, नाइजीरिया का लोकल ऑफिस एड्रेस आप देख ही रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो, कस्टमर केयर नंबर भी दिया, ईमेल आईडी, प्लस नाइजीरिया गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट। जा लाइफ स्टाइल कंट्री वाइज ऑफिस खोल रही है और जैसे कि हमारी जा लाइफ स्टाइल इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक उसी प्रकार जा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया में नाइजीरिया गवर्नमेंट की परमिशन से वहां का ये सर्टिफिकेट मिला है, जिसका कि RC नंबर है 1740159। 30 नवंबर 2020 को वहां से ये सर्टिफिकेट मिला है। दोस्तों, दूसरा नाइजीरिया का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का, ये आप देख सकते हो जा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया लिमिटेड के नाम से वहां पर रजिस्टर्ड हुई है 30 दिसंबर 2020 को। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइजीरिया का, जैसे कि यहाँ पर वहां पर टिन नंबर चलता है, ये कंपनी का टिन सर्टिफिकेट नंबर भी मिल गया है। आप वेबसाइट के माध्यम से जूम मैंने कर दिया, आप आराम से देख सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। टिन नंबर कहाँ किस साइट पर जाएगा ये भी साइट लिखी हुई है ऊपर, टिन वेरीफिकेशन JTV.government.nigeria.ng पर आप साइट पर देख सकते हो, टिन नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद नाइजीरिया का एक और लीगल डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन अगला है मलेशिया का डॉक्यूमेंट, ये मलेशिया के डॉक्यूमेंट की पिक्चर आप देख रहे हो, जा लाइफ स्टाइल मलेशिया SDN BHD के नाम से उनको वहां से मिला हुआ है, प्लस ये है मलेशिया के लीगल डॉक्यूमेंट का नंबर। जैसे कि हम लोग MCA में या इंडिया में हम देखते हैं MCA रजिस्ट्रेशन, वैसे यहाँ पर भी उनको मिल गया है दोस्तों लाइसेंस मलेशिया का। इसके बाद आते हैं इंडोनेशिया का एड्रेस, आप वेबसाइट पे देखते ही हो, इंडोनेशिया का जो डॉक्यूमेंट है वो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, ये इंडोनेशिया का सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है और बहुत जल्द एक आइवरी कोस्ट भी देश कंट्री है, वहां पर भी काम शुरू हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी आपको सामने दिखेगा। दोस्तों,
सर्टिफिकेट की बात तो ये रही कि आप सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंने आज दिखाने की कोशिश की, कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ सर्टिफिकेट पर का लीगल कहाँ से, कंपनी इतने देशों में लीगली स्ट्रांग हो चुकी है दोस्तों। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपकी वेबसाइट पर ही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आदमी वेबसाइट पर नहीं जाता है, FAQ जिसको हम कहते हैं, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्या है, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ कॉर्नर पर एक कॉलम दिया है लॉग आउट के पहले FAQ जिसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे आप क्लिक करेंगे हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपकी किस तरह मदद कर देते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, व्हाई मस्ट आई कंप्लीट द पर्सनल वेरिफिकेशन, मुझे व्यक्तिगत सत्यापन क्यों पूरा करना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, पर्सनल वेरिफिकेशन इज समथिंग दैट वी आर लीगली ऑब्लाइज टू कवर, इट इज सिंपली अ प्रोसेस दैट वेरीफाइज यू आर अ रियल पर्सन, नॉट अ रोबोट और नॉट अ फेक प्रोफाइल, यू विल नीड टू यूज योर ओन फोटोग्राफी आईडी एंड अ रिसेंट सेल्फी। इसका मतलब है मुझे व्यक्तिगत सत्यापन एक ऐसी चीज है जिसको कवर करने के लिए हम कानूनी रूप से बाध्य हैं, ये केवल एक प्रक्रिया है जो सत्यापित करती है कि हम एक वास्तविक व्यक्ति हैं, ना कि रोबोट है, ना कि नई नकली प्रोफाइल है, ये आपकी खुद की फोटोग्राफिक आईडी और हाल ही में किया गया सेल्फी लिया गया है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, माई पर्सनल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, वाट मस्ट आई डू, इसका मतलब है मेरा व्यक्तिगत सत्यापन लंबित है, मुझे क्या करना चाहिए, ये लोगों को क्वेश्चन आता है। लंबित सत्यापन यानी कि पेंडिंग वेरिफिकेशन मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, दिस कैन टेक 48 आवर्स, प्लीज बी पेशेंट, मतलब जब हम लोग पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों तो कभी कभी हमारा आईडी डॉक्यूमेंट या सेल्फी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो वो पेंडिंग चला जाता होगा, आपने देखा होगा येलो कलर का सिंबल आता है, गोल कलर पेंडिंग चला जाता है, और उसके लिए सिर्फ आपको 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा, कभी कभी ये 24 घंटे के अंदर या तो ऑटो अप्रूव हो जाता है या तो फिर रिजेक्ट हो जाता है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमको अगेन दोबारा KYC करनी पड़ती है, लेकिन डॉक्यूमेंट एक बार फिर चेक कर लें, अगला डॉक्यूमेंट फिर उससे वही डॉक्यूमेंट ना लगा उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको सुधार कर लें, अगर फोटोग्राफी में आपने क्लिक किया दूर से उसको क्रॉप करके पहले ही गैलरी में रख लें, तो अक्सर क्या होता है लोग दूर से फोटो खींच के लगा देते हैं पूरी फोटो जिसमें कि अगल बगल साइड का बैकग्राउंड बहुत आता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, माई पर्सनल वेरिफिकेशन वॉज रिजेक्टेड, वॉट मस्ट आई डू, अगर मेरा व्यक्तिगत सत्यापन अस्वीकार कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो साफ साफ लिखा, यू विल बी रिसीव एन ईमेल फ्रॉम आवर वेरिफिकेशन पार्टनर इफ योर पर्सनल वेरिफिकेशन वॉज रिजेक्टेड, इट विल कंटेन अ रीजन रिजेक्शन ऑफ द लिंक टू ट्राई अगेन, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, यू कैन ऑल्सो रिट्राई योर पर्सनल वेरिफिकेशन विद इन योर अकाउंट ओवरव्यू। जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले ही क्वेश्चन में ही इसका सवाल का आंसर थोड़ा दिया था मैंने, यदि आपका सत्यापन अस्वीकार कर दिया है तो वो आपके सत्यापन का एक ईमेल प्राप्त होगा जिसकी अस्वीकृति के कारण आप पुनः प्रवास प्रयास के लिए एक लिंक होगा, कितना निर्देशों का पालन करें, अपने खाते का उल्लेखन भीतर अपने व्यक्तिगत सत्यापन का पुनः प्रयास कर सकते हैं, जैसे ही आपका रिजेक्ट होता है तो आप पुनः प्रयास करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, माई डिटेल आर रॉन्ग, हाउ कैन आई चेंज देम, तो उसने लिखा है कि साफ साफ, प्लीज ईमेल support@zalifestyle.com टू चेंज अवर डिटेल, प्लीज नोट कैन नॉट चेंज योर यूजर नेम एंड स्पॉन्सर नेम, जैसे कि बराबर हम लोग मीटिंग में कहते हैं कि आपका कोई भी डिटेल अगर चेंज कराना है तो support@zalifestyle.com पर अपना ईमेल करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका ना तो यूजर नेम चेंज होगा और ना ही स्पॉन्सर नेम कभी चेंज होगा, इस बात को बराबर हम लोग कहते हैं और फिर भी ये लोग क्वेश्चन करते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर सब चीज है, अगर दोस्तों आप लोग वेबसाइट पर ही अगर विजिट कर लेंगे तो ये बार बार मीटिंग में पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब नहीं आप करेंगे और हमको भी बताने में बार बार वो लगता है कि आप लोग बिल्कुल ही नहीं आप देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट आई चेंज माय यूजर नेम एंड माय स्पॉन्सर, व्हाई कैन नॉट? फिर वही जवाब, वी कैन नॉट चेंज अवर यूजर नेम और स्पॉन्सर फॉर सिक्योरिटी रीजन। जैसे कि कंपनी ने साफ साफ लिखा है सिक्योरिटी रीजन के कारण आप अपना यूजर नेम और स्पॉन्सर नेम नहीं चेंज करते, प्लीज इंश्योर यू आर यूजिंग द करेक्ट वंस। पहली बार ही आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर अपना यूजर आईडी और अपने स्पॉन्सर का चयन कीजिए। इसके बाद का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज जो लाइफ स्टाइल ऑपरेट इन? जो लाइफ स्टाइल एक ग्लोबल कंपनी, एनीवन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैन ज्वाइन। वी हैव लोकल ऑफिसेस एंड इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश, और साथ ही साथ कुछ कंट्रियों में और काम चल रहा है जो कि बहुत जल्द आपको अपनी वेबसाइट पे दिखेगा। और मैं जाते जाते आपको, जैसे कि हमारे सतीश सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ईहा के बारे में बताया, एक चीज और क्लियर कर दूंगा, ईहा क्यों जरूरी है। तो कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी ने 30 लाख कहा, फिर 15 लाख, 15 लाख सिर्फ अपडेट करना है। अगर उस चीज को आप समझ लेंगे दोस्तों, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, और उस पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ईहा का रोल क्या है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एडवर्टाइजर, पब्लिशर और कंज्यूमर, ये तीन होते हैं फ्लीट मार्केटिंग के लिए कंपलसरी। हम आप अगर अपने नजर से देखें तो हम और आप एक कंज्यूमर हैं। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन ना तो कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है मैन्युफैक्चर से उनका प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं, और हम कंज्यूमर उनके साइट पर जाके खाली परचेज करते हैं। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी है, अमेजोन भी उन्हीं कंपनियों में से। जो ऑनलाइन शॉपिंग की आप नीचे कुछ पिक्चर कंपनियों का नाम देख रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओएलएक्स, ईबे, फ्लिकर और भी कई सारी कंपनीज ऑनलाइन शॉपिंग यानी एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पब्लिशर होते हैं, ये एक माध्यम होते हैं, ये न, और इनके पब्लिशिंग करने से इनकी साइट पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, सिर्फ ये माध्यम है। ठीक उसी प्रकार हमारा यह पायलट प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। उसको इस माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आपको, तो इसमें हम जा लाइफ के ग्रीन आईडी वाले कंज्यूमर्स हैं। जो ईहा, ये एक पब्लिशर है जो हमको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है। और जो ऑरेंज कलर का बॉक्स देख रहे हैं, गोल्डा देख रहे हैं, ये है एडवर्टीजमेंट, कॉर्पोरेट जगत की एडवर्टीजमेंट कंपनियां जो ईहा को एडवर्टीजमेंट देंगी, और हम ईहा के मार्फत एडवर्टीजमेंट देखेंगे ईहा के प्लेटफॉर्म।